Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates. Cause whenever we upload new video. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से नवी मुंबई में एक सभा का आयोजन कर भाजपा के 5 साल की कार्यकारिणी की जानकारी दी गई और 2019 में फिर से मोदी सरकार को लाने की गुजारिश की गई। आज हमारा नवी मुंबई का कार्यकारिणी मीटिंग हुआ है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का, और इसमें ये लोकसभा के इलेक्शन स्टार्ट होने के पहले जो है ये लास्ट कार्यकारिणी मीटिंग थी। इस वजह से यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में जो पिछले 5 साल में मोदी जी ने किया है उसका विशेष तौर पे सभी को बताया गया। सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे, करीब 300 से ज़्यादा पदाधिकारी यहाँ पे आज के आए हुए थे, जिन्होंने सारे चीज़ों का बहुत ही ध्यान से सभी चीज़ सुना है। और अब हमारा यहाँ पे आने वाले लोकसभा के जो चुनाव है उसके अंदर हम अभी इलेक्शन बोर्ड में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो अभी फरवरी से लेकर मार्च तक की जो हमारी कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार की गई है, और सभी रूपरेखा को जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश से करने के लिए बोला गया है सभी लोग उस चीज़ के लिए तैयार हैं और बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ में करने के लिए उधर तैयार हैं। डॉक्टर विक्रम पराजुली, भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई जिला उपाध्यक्ष। ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, केंद्र का बैठक होने के एक हफ्ता के बाद प्रदेश का बैठक होता है, प्रदेश का बैठक होने के एक हफ्ते के बाद जिला का बैठक होता है। ये रेगुलर कार्यकारिणी की बैठक थी और यहाँ पर समस्त पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी बूथ लेवल से लेके जिला के पदाधिकारी, सेल मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ आते हैं, और उन्होंने गए 3 महीने में जो काम किया है उसका लेखा जोखा लिया जाता है, और आने वाले 3 महीने में क्या काम करने का है उनको समझाया जाता है और उनको मार्गदर्शन किया जाता है। आज हमारे पार्टी के धोरण के हिसाब से हम लोग सेंट्रल में हमारी कार्यकारिणी होती है, उसके बाद प्रदेश में कार्यकारिणी होती है, उसके बाद 7 दिन में जिला में कार्यकारिणी होती है। तो ये आज नवम्बई जिले की हमारी कार्यकारिणी थी, और इस कार्यकारिणी में हम लोग आने वाले 2 मार्च तक क्या क्या प्रोग्राम करने हैं, कैसे कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, उसकी व्यूहरचना हमको यह मीटिंग में देनी पड़ती है। और मैंने इस कार्यकर्ता के सामने ये पूरे प्रोग्राम रखे हुए हैं, और ये प्रोग्राम हम लोग 2 मार्च तक करने वाले हैं, उसी के आधार से ये मीटिंग ली गई। और इसमें हमारे इस मीटिंग में 300 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, 300 कार्यकर्ता अपेक्षित है, उसमें 298 सिर्फ 2 कार्यकर्ता नहीं है, बाकी 298 कार्यकर्ता ने इसमें भाग लिया, और आने वाले इलेक्शन की पूरी तैयारी के साथ उतरने के लिए ये मेरे पूरे कार्यकर्ता जोश में इस तरफ मीटिंग में आए हुए हैं। राशि मंडल अध्यक्ष उदयवीर सिंह बोल रहा हूँ। आज जिले की मीटिंग हुई और लोकसभा चुनाव से पहले की ये शायद अंतिम मीटिंग है। आज हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने बताया कि हमारी क्या क्या योजनाएं हैं, कैसे कैसे हमें जनता के पास पहुंचना है, बूथ लेवल पर किस तरह से काम करना है, और मोदी सरकार ने पिछले दिनों जो अच्छे काम किए हैं, जितनी योजनाएं लाए हैं उन योजनाओं के बारे में हमें जनता को बताना है। अभी जहां भी जाते हैं, चाहे अल्पसंख्यक हों, सवर्ण हों, सबके लिए उन्होंने काम किया है, ग्रामीण लोगों के लिए काम किया है, उद्योगपतियों के लिए काम किया है, व्यापारियों के लिए काम किया है। GST एक बहुत अच्छी चीज़ ये लेकर आए, और जिसके लिए गलत प्रचार किया गया GST के लिए, पर आज लोगों को पता चलने लग गया है कि GST के कारण आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आप फ्रिज लेने के लिए जाएंगे, गीजर लेने के लिए जाएंगे, AC लेने के लिए जाएंगे, पहले से सस्ता हो गया है। आज गैस आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। बीच में दलाल ख़त्म हो गए, जो दलाल थे वो आज दलाल ख़त्म हो गए हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर के हाथ में पैसा आने लग गया। किसान के हाथ में भी 6,000 रुपया सालाना आएगा, डायरेक्ट किसान के हाथ में आएगा, दलालों के हाथ में नहीं आएगा। इसलिए दलालों को तकलीफ हो रही है कि उनकी दलाली ख़त्म हो रही है। आम जनता बहुत खुश है, और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि आने वाली लोकसभा में हमारे मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आएगी, 400 के ऊपर संख्या को पार करेगी। और वो ही नहीं, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। मैं राजेश राय, उपाध्यक्ष, थाने पालघर विभाग, उत्तर भारतीय मोर्चा।
आज हमारा यहाँ जिला की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और आज बड़ा जोश भरा वातावरण था। हमारी कार्य सम्राट आमदार मंदाताई, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत और हमारे प्रभारी और संजय उपाध्याय जी ने कार्यकर्ताओं में इतना जोश भरा कि सभी लोग एक मत हो गए हैं कि सब लोग अपने मन मुटाव भुलाकर सबका लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए कि अब की बार वापस मोदी सरकार। और इसी लक्ष्य का मैं अपने सभी उत्तर भारतीय भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि आपस में कुछ थोड़े बहुत मतभेद हुए होंगे, उन सबों को भुलाकर एक टेबल पर बैठकर, क्योंकि सबका लक्ष्य तो एक ही है कि भाजपा आए। तो जब भाजपा आए तो सबको एक मिलकर काम करना होगा और मोदी जी को जिताना होगा। अगर हम लोग एक साथ में नहीं आएंगे तो सबका सपना टूटेगा और इसमें सबका नुकसान होगा। मैं एक बार फिर विनती करता हूँ सभी अपने उत्तर भारतीय भाइयों से, हाँ चाहे यूपी से हों चाहे बिहार से हों, सब लोग एक टेबल पर बैठकर अपने मतभेद भुलाकर और अपना एक ही लक्ष्य करिए कि वापस से मोदी सरकार। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र, मुंबई। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you